इस क्वेश्चन को देखिए हैंडल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जब हमारे सामने आता है तो हमें समझना होता है कि क्या करें, क्या हम है ना स्टार्ट कैसे करें। तो बड़ा सिंपल होता है कि आप कुछ ऐसा सोचिए ताकि ये इंटीग्रेबल फॉर्म में पहुंच जाए, है ना, ताकि इसको इतने पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए कि हर पार्ट का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता हो उसकी, उसे इंटीग्रेट करने के लिए। तो अभी तो मौजूद है नहीं हमारे पास, तो चलिए कुछ करते हैं हम लोग। कुछ करने के लिए क्या करें, ये एक्स स्क्वायर जो डिनोमिनेटर पड़ा हुआ है ये तीनों के नीचे अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ योर फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो एक्स क्यूब अपन, अभी आप रिजॉल्व कर रहे हो ना, इंटीग्रेट नहीं करोगे, इंटीग्रेशन उस स्टेप को कहेंगे जहाँ पे हम लोग फॉर्मूला प्लेस करेंगे। अभी आप अपने पॉलिनोमियल को रिजॉल्व कर रहे हो, इंटीग्रेबल फॉर्म में पहुँचने की कोशिश कर रहे हो अभी, ठीक है, एलजेब्रा के थ्रू आप सॉल्व करके। खैर यहाँ से कटेगा, यहाँ एक्स आ जाएगा आपका, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली आप क्या लिखोगे, दैट कुड बी रिटेन एज ए, यहाँ एक्स है एंड आपका यहाँ पे हो गया आपका 5 प्लस का 5 और माइनस का 4 अपॉन क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लीजिए एक्स की पावर माइनस 2, क्योंकि आपके पास जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन के लिए होता है, मतलब वेरिएबल की पावर कॉन्स्टेंट, है ना, नीचे वेरिएबल एक्स होता है और ऊपर कॉन्स्टेंट कोई नंबर 2, 3, 1/2 कुछ भी हो, कॉन्स्टेंट नंबर होना चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूला हमें पता होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन हो जाता है एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन। तो वही हम लोग यहाँ पे, अब चूंकि इंटीग्रेशन आपका क्या होता है, ये एक लीनियर ऑपरेटर है, लीनियर ऑपरेटर है, तो इन तीनों पे अलग अलग ऑपरेट किया जाएगा, चाहे कंबाइन आप इंटीग्रेशन करना, इसका मतलब तीनों को अलग अलग आप ऑपरेट कर लीजिए। तो एक्स डी एक्स और प्लस 5 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1 डी एक्स लिख दे रहे हैं, 4 भी कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं एक्स पावर माइनस 2। ये इसी स्टेप का आपको इंतजार था, या इसी स्टेप तक आपको पहुंचना था, यही एक स्टेप है जहां पे आपको हर तीन ये इंटीग्रल है जिसका फॉर्मूला आपको पता है एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन लगेगा, 1 का भी पता है, ये भी डायरेक्ट इंटीग्रेबल फॉर्म में है और ये भी है, मतलब ये स्टेप है जो आपकी इंटीग्रेबल फॉर्म है। अब यहाँ के बाद आपको सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, या यूं कहिए फॉर्मूला प्लेस करना है, ठीक है। चलिए फॉर्मूला प्लेस कर देते हैं हम लोग, यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 मतलब 2 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 अपॉन 2 प्लस ये 5 और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और माइनस 4 और इसका कितना हो जाएगा एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 -1 होगा अपॉन -1, लेकिन ये -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या कर देगा प्लस कर देगा, ठीक है। और ये x की पावर जो -1 है उसे आप 1 बाई एक्स लिख सकते हैं, तो हम 1 बाई एक्स लिखें या फिर 4 बाई एक्स लिख लें। और फाइनली एक चीज़ और बच गई, जब भी आप इनडेफिनिट इंटीग्रल हैंडल करते हो तो फाइनल आंसर में एक सी इनडेफिनिट कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। अब ये आपने मेंटर टीचर ट्यूटर जो भी हैं उनसे पूछेगा कि ये सी क्यों ऐड करते हैं, है ना, एक सिंगल सी क्यों ऐड करते हैं, 3 इंटीग्रेशन हमने ऐड किया तो 3 सी क्यों नहीं ऐड करते हैं, है ना, सिंगल ही सी क्यों ऐड करते हैं, ये आप पूछ के जान के कमेंट करिएगा नीचे, ठीक है।